हेलो एवरीवन, डेली ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनका इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आरबीआई ने 1 अप्रैल से आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस बैंक में करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, क्योंकि ये 2 या 3 बैंक नहीं, पूरे के पूरे 10 बैंकों का विलय 4 बैंकों में किया गया है। तो कौन कौन सी बैंक हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका आंसर था आरबीआई ने 1 अप्रैल से 10 बड़े सरकारी बैंकों को 4 बैंकों में मर्ज करने की घोषणा की। आरबीआई ने हाल ही में नंबर 1 आंध्रा बैंक, नंबर 2 कॉरपोरेशन बैंक, नंबर 3 यूनियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का विलय करके एक बैंक बनाया। 4 नंबर यानी इलाहाबाद बैंक, 5 नंबर इंडियन बैंक, इनको मिला करके एक बैंक बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये हुए 2 बैंक। 6वां यूनाइटेड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को एक बैंक बनाया गया है। तो इस प्रकार हुए अब 3 बैंक। और 4थी बैंक में कैनरा बैंक और 10वीं बैंक सिंडिकेट बैंक को मर्ज करके एक बैंक बनाया गया है। तो इस प्रकार से 4 बैंकें बनाई गई हैं 10 बैंकों को मर्ज करके। तो ये तो था रहा बैंकों का सिस्टम। अब हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में आरबीआई आया है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। तो इस क्वेश्चन से इतने जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेविंग अकाउंट यूजर को अकाउंट से संबंधित जानकारी देने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक की बात आती है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने अपने यूजर्स को व्हाट्सएप बैंकिंग प्रदान किया है, लॉन्च किया है। इसके द्वारा अकाउंट यूजर बैलेंस और आखिरी 3 ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। अब बात आती है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जून 1994 में हुई बड़ौदरा गुजरात में, और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके सीईओ सीईओ संदीप बख्शी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाकिस्तान के पूर्व स्क्वैश खिलाड़ी आजम खान का हाल ही में लंदन में कोरोना वायरस के से कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो क्वेश्चन खेल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है डी, यानी कि 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने 1995 सॉरी 95 वर्ष की उम्र में हाल ही में लंदन में कोरोना वायरस से निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1959 से 1962 के बीच लगातार 4 बार ब्रिटिश ओपन खिताब जीता था। अब बात आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के बारे में परीक्षा की दृष्टि से और क्या प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बात पाकिस्तान की है, तो यहाँ के पीएम है इमरान खान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तथा करेंसी रुपया है।
इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के बच्चों को निशुल्क ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए किसने घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स। तो जो भारत के स्वास्थ्य सेवा कर्मी है जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उनके बच्चों को ये ट्रेनिंग्स फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ ये उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन 5 है आज का, कोरोना वायरस की किस हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी ने 5 मिनट में कोरोना वायरस की जांच करने वाली मशीन बनाई है? तो ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसको एबर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही विकल्प हुआ बी, एबर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसने एक ऐसी किट बनाई है जिसके द्वारा पॉजिटिव कोरोना वायरस पॉजिटिव जो व्यक्ति हैं उनकी जांच 5 मिनट में आ जाएगी, यदि वो निगेटिव है तो उसका रिजल्ट 13 मिनट में प्राप्त होता है। और इसको अमेरिकी FDA कंपनी ने भी अनुमति दे दी है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 31 मार्च को विश्व भर में विश्व बैकअप दिवस मनाया जाता है। अब बात दिवस की है तो मार्च महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए उनके बारे में हम क्रम से जान लेते हैं, और जिनको जिनको ये आते हैं दिवस वो कमेंट बॉक्स में क्रम से लिख के दें। चलो देखते हैं। सबसे पहला मनाया गया 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 21 मार्च को विश्व वन दिवस, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व तपेदिक या क्षय रोग या TB दिवस, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, और 31 मार्च को विश्व बैकअप दिवस। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मार्च को किस वर्ष विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फिलिप्स ने 6 गोल्ड मेडल जीते? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि 2007 में। 31 मार्च को 2007 में विश्व तैराकी चैंपियनशिप में माइकल फिलिप्स ने 6 गोल्ड मेडल जीते। माइकल फिलिप्स एक अमेरिकी तैराक हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 23 ओलंपिक मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोरोना वायरस से आर्थिक नुकसान को लेकर परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली है? तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि जर्मनी। जर्मनी की जो वित्त मंत्री थॉमस साइफर, उन्होंने आर्थिक नुकसान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जर्मनी के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने कोरोना वायरस से आर्थिक नुकसान को लेकर परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 20 वेडेन अभियोजक के कार्यालय ने मंत्री द्वारा आत्महत्या किए जाने की आशंका जताई है। अब बात आती है जर्मनी की, तो जर्मनी से और कौन से परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यहाँ के चांसलर एंजेला मर्केल और मुद्रा यूरो। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने COVID-19 के खतरे के बावजूद भारत में LPG गैस की कमी ना होने देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत में LPG गैस की कमी ना होने की घोषणा की है। चूंकि भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा उपभोग करने वाला LPG गैस का देश है, तो अब बात आती है सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब के बारे में और जानकारी कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी है रियाद। यहाँ के शासक हैं मोहम्मद बिन सलमान
और यहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। तो हमें इस प्रश्न से इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आज का, एशियाई विकास बैंक में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। NIIF में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 100 मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है। जिससे क्या होगा कि एशियाई बाजार में जो अर्थव्यवस्था है, आर्थिक मंदी चल रही है, उसमें कुछ सुधार होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को विशेष तौर से मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात आती है NIIF की। तो NIIF का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो हमें इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में डॉक्टरों को किस हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट लॉन्च किया गया है। कॉन्टैक्ट क्या है? कॉन्टैक्ट एक प्रकार का पोर्टल है जिससे एम्स की डॉक्टरों को, जो एक्सपर्ट हैं, उनको जोड़ने में सहायता मिलेगी। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि एम्स। इससे क्या होगा, इस पोर्टल का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने 28 मार्च 2020 को किया था। अब बात आती है एम्स की। तो एम्स का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसका ये फुल फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस प्रकार से आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो पूरे हुए। इसके साथ ही अलग से मैं 5 प्रश्न विज्ञान के, तो उनको हम देखते हैं। 5 प्रश्न विज्ञान के, जो महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न रखे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो अपना जो ब्लड होता है उसमें लोहा पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, ब्रेड बनाना, गीले आटे का खट्टा होना। तो ये सभी क्या है, किण्वन के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है। तो जो नए ऊतक बनते हैं उनकी वृद्धि के लिए जो पोषक प्रदान करता है वो है पनीर। पनीर से जो प्राप्त होती है हमें प्रोटीन, उससे पोषक तत्व प्रदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है। तो ये 4 तो विकल्प नहीं है, सीधे सीधे ड्रेको। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, किंग कोबरा। किंग कोबरा मात्र एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला स्वयं बनाता है। तो इस प्रकार से विज्ञान के 5 प्रश्न पूरे हुए। अब इसके बाद में देखते हैं कल का प्रश्न, जो कल के वीडियो में पूछा गया था। तो कल के वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था वो था, पेट्रोल पंपों एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी सिस्टम को डिजिटल लेन देन में सक्षम करने के लिए किसने IOCL के साथ पार्टनरशिप की है। तो इसका सही उत्तर है पेटीएम। और आज का प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में COVID-19 से संक्रमित लोगों को रोबोट द्वारा दवा मुहैया कराई जा रही है। तो इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से जो सही लगे उसको आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो पूरा हुआ। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि आगे ऐसी परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से और सबसे पहले। साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि इसका PDF पाने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे डेली की डेली PDF आपको शाम को 5 बजे मिलती रहेगी। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।